हेलो गाइस, वेलकम टू माय मामा व्लॉग। मेरा नाम गोलू है और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। और मेरे मामा को सपोर्ट करो और मेरे मामा को सब्सक्राइब करो। और अभी बच रहे हैं 11:14 और अभी हमने थोड़ा लेट व्लॉग शुरू करा था तो क्या करूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा, गोलू ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आगे का जो भी हमारा जो भी सफ़र है आज का, तो आगे आरुषि करेगी क्योंकि मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत 2-4 दिन से ख़राब है। और चलिए आरुषि और गोलू दोनों। सो गाइस, हम आपको आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात की जो हमारा आज का खेत का प्रोग्राम था, मतलब जो हम कर रहे थे कि हम यहाँ पे खोदेंगे, हाँ सब्जी बोएंगे, बट ऐसा सब कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि धूप बाहर बहुत तेज़ हो रही है और एकदम वैसे ही मौसम हो गया जैसे गर्मियों में होता ही है। सो गाइज, अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कि बाहर का कैसा हो रखा है। चलो, बहुत तेज़ हो रही है, मैं तो बाहर भी नहीं आ पा रही थी बट हमें ब्लॉगिंग के लिए आना पड़ा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और सन एकदम सर पे है, हर जगह बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये है हमारा घर। सो गाइज, आज हम यहाँ पे सब्जियाँ बोने वाले थे बट प्लान कैंसिल। अब हम शाम को करेंगे जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। और यहाँ पे आंटी जी घास काटने आ रखी है हमारे खेत का। सो और गाइज, आप अब व्यू एंजॉय करें। सो गाइस, धूप इतनी तेज़ है कि बाहर कहीं पे भी आपको लोग नहीं दिख रहे होंगे पूरे कॉलोनी में, बस मैं ही घूम रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप लगी है सर के ऊपर ही एकदम सर। और हम आज हमारा घर कुछ इस तरह लग रहा है। और गाइस, मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको व्यू अच्छा लगा होगा तो। और गाइस, व्यू के लिए हिट लाइक ज़रूर करना। सो गाइस, यहाँ पे एक फनी सीन हो गया है। ये छतरी खोली थी क्योंकि मैं आपको व्यू दिखा रही थी जब बहुत धूप हो रही है, तो गाइस यहाँ पे ये छतरी खोल रही थी और ये छतरी ऐसी हो गई है, यहाँ देखिए। और ये नहीं हो रही है ठीक, क्या पता ही तोड़ दे दादाजी की छतरी। हाँ, हो गया गाइस, हो गया। तो चलो हम आपको व्यू दिखाते। और यहाँ देखो, मिनी मेरे साथ छतरी के अंदर है। सो गाइस, भी अच्छा लगा होगा तो हिट लाइक और कमेंट जरूर करना। सो अभी हम नीचे चल रहे हैं तो हम आपको सबसे मिलाते हैं और बताते हैं। हाँ, और यहाँ पे जो फ्लावर भी हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, तो आप ऐसे फ्लावर भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं नीचे। सो गाइस, हमने तो आपको जैसे व्यू दिखाई दिया। सो गाइस, आपको पता है कि गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम इसके लिए यहाँ पे हम बुआ बना रही है पानी पूरी। क्या पानी पूरी बोलते हैं ना ते? हाँ हाँ। और गाइस, सबसे बड़ी सबसे अहम बात की यहाँ पे जो मतलब हम बाहर पे जो ठेले वाले रहते हैं वहाँ पे वो हाइजीनिक तरीके से नहीं हो पाते हैं, वहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा गंदगी तो रहती है बाहर रोड में और धूल तो आती है। तो ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, वो भी घर में। आपको सिर्फ ऐसा एक बॉक्स आता है, इसको आप इसको बोरो कर सकते हैं, किसी भी दुकान में मिल जाता है ये। और तो यहाँ पे वही चल रही है, किसी भी दुकान में नहीं, सिर्फ राशन की दुकान, जनरल स्टोर। चाचा को कुछ कॉल आ गया था तो हमें वीडियो थोड़ा स्किप करनी पड़ी। तो गाइस, ये है यहाँ पे और ये है इसका मसाला, मतलब पानी मसाला बोलिए, पानी। और इस डब्बे में 3 टाइप के मसाले आते हैं, मैं बोलती हूँ। एक आता है कौन सा, मतलब एक आता है पुदीना पानी पाउडर, और एक आता है खजूर इमली चटनी, इस टाइप का फ्लेवर आता है, ये सब पाउडर में रहते हैं। और कैसे खट्टा मीठा पानी रहता है, तो हमने सब कुछ मिक्स करके बनाए हैं जो बहुत अच्छा होता है। पहले भी हमने कई बार बनाया है इसे। और गोलू का मन बहुत ललचा रहा है जी। नहीं, मैं तो मिक्स करने के लिए आई हूँ। अच्छा, चलो रे
चलो फटाफट पानी पूरी खाते हैं और गाइस हम आपको मिलते हैं। और यहाँ पे सब दादी नाना की और दादी बताओ कैसे हो? ठीक है। और आपको पानी पूरी अच्छी लगती है? कहाँ है पानी पूरी, बुआ ने बना रखी है। वो क्या बोलते हैं गोलगप्पे वो? हाँ जी है? एक मिनट चाचू को किसी को कॉल आ रहा है बार बार। राम ये दगड़ी है तुम ए मम्मी गंदी है सो झूठा पानी खाने का झूठा नहीं है मेरा सबसे खा रही तो तर के बड़के नहीं लगाते यार। सो गाइस यहां पे सबने गोलगप्पे खा लिए हैं, सबने अपना पेट भर लिया है। अनुष्का का पानी पी लिया है बेटा खाने के बाद। सो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था क्योंकि हम तो कहीं बाहर गए भी नहीं और जो जो घर में था और आज का मौसम जैसा था हमने आपको वो दिखाया। सो गाइस अगर आप अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के बाय। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो तब तक के लिए बाय।